हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डील किए थे डायपोल मोमेंट समाप्त करने के बाद। तो अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में जो चार बॉन्ड थे आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक, इसमें से तीन बॉन्ड के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तीन बॉन्ड आयनिक देख चुके जो कि पोलर नेचर का बॉन्ड था, नॉन डायरेक्शनल था। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखें जो पोलर नॉन पोलर दोनों हो सकता था और वह डायरेक्शनल नेचर का था। और फिर देखें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो एक सेमी पोलर नेचर का बॉन्ड है, मतलब उसमें हमेशा पोलैरिटी रहेगा और वह भी डायरेक्शनल नेचर का है जो हमेशा डोनर टू एक्सेप्टर बनता है। तो एक डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी होते हैं डायरेक्शनल नेचर से। तो इस डायरेक्शनल नेचर वाली बात को अच्छे से जो है समझ करके रखोगे। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डायरेक्शनल। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें मेटेलिक बॉन्ड के बारे में कि मेटेलिक बॉन्ड का क्या सिचुएशन है। मेटेलिक बॉन्ड, तो मेटेलिक बॉन्ड इज नाइदर कोवेलेंट बॉन्ड नॉर आयनिक बॉन्ड बट इट इज ए पेकुलियर और अस्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड विच होल्ड्स द मेटल एटम्स टुगेदर विच होल्ड्स द मेटल एटम्स टुगेदर इन ए क्रिस्टल। बोल रहा है मेटेलिक बॉन्ड ना तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना ही आयनिक है। जैसे इसके पहले जो हम लोग देखे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, तो देखे थे वहाँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वह कम्बिनेशन था किसका किसका, कोवेलेंट का और आयनिक का। लेकिन बोल रहा है कि मेटेलिक बॉन्ड ना तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है ना ही एक आयनिक बॉन्ड है, या एक अलग ही और विशिष्ट प्रकार का बॉन्ड है जो मेटल एटम्स को आपस में जोड़े रखता है। देखो एक मेटल और एक नॉन मेटल हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। उसी प्रकार से दोनों नॉन मेटल हो, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल ऐसा, तब क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो पीछे हम लोग देखे। उसी प्रकार से अब दोनों मेटल हो जाते, मेटल प्लस मेटल, तो यहाँ से बनता है मेटेलिक बॉन्ड। तो यह भी कंसेप्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया कि मेटल नॉन मेटल एटम के बीच आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड, और दो मेटल के एटम्स रहे तो क्या बनने वाला है, यहाँ से मेटेलिक बॉन्ड बनने वाला है। तो मेटेलिक बॉन्ड मतलब मेटल एटम्स के बीच लगने वाला बॉन्ड। और यह मेटेलिक बॉन्ड एक आसान कंसेप्ट नहीं है, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुरंत हम लोग खत्म कर दिए थे वैसे नहीं। इस मेटेलिक बॉन्ड को चूंकि इसके बारे में कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग इसलिए समाप्त किए क्योंकि पता था कि वह कोवेलेंट और आयनिक का मिक्स है, और कोवेलेंट आयनिक को हम लोग काफ़ी डिटेल कर चुके थे इसलिए कोऑर्डिनेट को डिटेल करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन मेटेलिक के बारे में बोल रहा है कि यह ना तो कोवेलेंट है ना तो आयनिक है, बल्कि यह एक अलग ही टाइप का बॉन्ड है। तो अलग ही टाइप का बॉन्ड है तो फिर इस बॉन्ड के नेचर को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस मेटेलिक बॉन्ड के नेचर को समझने के लिए दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज दिए गए हैं इसमें। एक है इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी बोलते हैं। इसी को इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के नाम से जानते हैं, और ये दोनों सेम ही हुए। अगला इसमें है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे, ऐसी को हम लोग मॉलिक्यूलर
बैंड थ्योरी लिखते हैं, और सिंपली इसको हम लोग बैंड थ्योरी ही बोलते हैं, बैंड थ्योरी ऐसा। तो इन दो थ्योरी को काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा हम लोग को, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इसी को इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी बोल रहे हैं, और दूसरा मॉलिकुलर बैंड थ्योरी या सिंपली बैंड थ्योरी। तो जब इन दो थ्योरीज को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी को देखें या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। क्या बोलता है यह इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी? यह दिया गया था ट्रॉट्स के द्वारा, और मेटेलिक बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्डिंग के कंसेप्ट को समझने में काफ़ी मदद करता है यह थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी और इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, कि कोई भी मेटल क्रिस्टल है, उस मेटल क्रिस्टल में जितने भी एटम्स हैं सारे एटम्स एक साथ कलेक्टिवली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। किसी भी मेटल क्रिस्टल में उसके जितने भी मेटल एटम्स हैं वे सारे एटम्स कलेक्टिवली एक साथ अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑब्वियसली वह पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन मतलब केटायन में कन्वर्ट होता है। तो वे सारे मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद केटायन्स में बदल जाएंगे। अब वह जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वह इलेक्ट्रॉन उसी क्रिस्टल के अंदर रहेगा, और जो मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन में बदले वह केटायन भी उसी में रहेगा। अब ये सारे मेटल एटम मिल करके जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रॉन का एक टैंक बन जाता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के टैंक को जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन सी बोलते हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन सी में वे केटायंस डूबे रहते हैं जो मेटल कोर्स या कर्नल्स कहलाते हैं। तो उस मेटल कोर्स या कर्नल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सी पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है जो उस मेटल एटम्स को आपस में जोड़ करके रखता है, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो इसको अब यहाँ से समझते हैं, अच्छे से पता चलेगा क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कोई मेटल का क्रिस्टल लो, जैसे बेरिलियम मेटल का क्रिस्टल हो, किसी भी मेटल का क्रिस्टल आप ले सकते हो। अब बेरिलियम मेटल का यदि क्रिस्टल आप कंसीडर किए हो तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 2 और 2, तो बेरिलियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी कि वह एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 और 2 है तो या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बेरिलियम 2+ बना लेगा ऐसा। तो यह जो एटम है जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाया, तो कोई भी एटम जब अपना केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाता है तो ऐसे केटायन को हम लोग बोलते हैं मेटल कोर या कर्नल ऐसा। अब जब आप बेरिलियम का क्रिस्टल लोगे तो उस क्रिस्टल में बेरिलियम का एक ही एटम तो नहीं होगा। यदि आप उस क्रिस्टल का 1 मोल भी लेते हो, 1 मोल क्रिस्टल कंसीडर करते हो, तो इस 1 मोल क्रिस्टल के लिए इतने एटम्स हो जाएंगे 6.022 × 10²³। अब यदि बेरिलियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 1 मोल क्रिस्टल में जो इतने एटम्स है, सोचो इतने एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, और इसका 2 गुना मतलब तो बहुत बड़ा नंबर है यार ऐसा। तो ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे क्रिस्टल के अंदर, वे सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के जो है ऐसा एक इलेक्ट्रॉन सी बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। समुद्र हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो उसी प्रकार से जहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए वह इलेक्ट्रॉन सी कहलाएगा। इस प्रकार से दिस इज इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, इलेक्ट्रॉन सी।
अब यह जो केटायन है जिसको हम लोग मेटल कोर बोल रहे हैं, यह मेटल कोर क्या होगा कि इसी में डूबा रहेगा ऐसा, ये B2+ ऐसे पूरे में डूबा हुआ रहेगा ऐसा, इस प्रकार से ऐसा। तो यह जो पूरा ब्लैक से दिखाया गया डॉट डॉट, या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन सी मतलब इलेक्ट्रॉन है पूरी तरह से, और वहाँ से ये जो दिखाया गया है बेरिलियम के केटायन, दीज आर कर्नल्स और मेटल कोर्स। अब ये जो मेटल कोर्स हैं, कर्नल्स हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सी है, इसमें इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन सी में जो इलेक्ट्रॉन है और यह जो मेटल कोर है, इसके बीच यहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ डेवलप करेगा उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसी को आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, इस इलेक्ट्रॉन सी की जगह यदि इलेक्ट्रॉन पोल की बात करें तो यह जो बेरिलियम दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था अभी ऐसा, ये बेरिलियम जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इस प्रकार से, बेरिलियम 2+ में बदला, तो या दो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो ऐसा, ये क्रिस्टल के अंदर है और इसी के अंदर अब रहेगा बेरिलियम 2+ आयन ऐसा, ये सभी बेरिलियम 2+ हुए ऐसे करके, बेरिलियम 2+ ऐसा इस प्रकार से। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो जो बेरिलियम 2+ है मतलब पॉजिटिव आयन, और यह जो अगल बगल इलेक्ट्रॉन है इसके बीच ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होगा ना ऐसा, तो इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, क्योंकि अगल बगल हर तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है वह हर एक डायरेक्शन से हो रहा है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हुआ इस पॉजिटिव मेटल कोर और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच, यह हर एक डायरेक्शन से ऑपरेट हो रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इसका नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ जो अब बॉन्ड बनेगा मतलब मेटेलिक बॉन्ड, उस मेटेलिक बॉन्ड का भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब मेटेलिक बॉन्ड इज ऑल्सो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। मेटेलिक बॉन्ड भी क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होगा। अच्छा, तो यही इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है, सिंपल सा कंसेप्ट है इस थ्योरी का, आसान सा, कि किसी भी मेटल क्रिस्टल में उसके जितने एटम्स होंगे वे सारे एटम्स एक साथ अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और सारे एटम जब एक साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है वे मेटल केटायन जिसको कोर हम लोग बोल रहे हैं बनाएंगे, तो वे इलेक्ट्रॉन्स जो क्रिस्टल के अंदर आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वे सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके ऐसा एक इलेक्ट्रॉन सी बना देते हैं या इलेक्ट्रॉन पोल बना देते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन पोल में मेटल केटायंस डूबे होते हैं कर्नल्स, और वो पॉजिटिव मेटल कोर और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है जो सारे केटायंस कर्नल को आपस में जोड़ करके रखता है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की यहाँ आप बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को तो हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते थे, ऑब्वियसली बोलते थे, लेकिन वहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था ना वह एक केटायन और एक एनायन के बीच था, चार्ज वहाँ भी भले अपोजिट था प्लस माइनस, लेकिन प्लस चार्ज वहाँ मेटल केटायन का था मतलब मेटल एटम का, और माइनस था नॉन मेटल एटम का। तो यहाँ माइनस चार्ज किसी नॉन मेटल एटम का नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन का है ना, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली कमजोर होगा आयनिक बॉन्ड की तुलना में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब आयनिक नहीं समझ लेना, नेचर इसका देखना, आयनिक तब होगा जब वो आयनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ आयनों के बीच का नहीं है, एक आयन है लेकिन दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप करेगा वह वीकर होगा आयनिक वाला के तुलना में, जिसको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जानेंगे, जिसको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे ऐसा।
तो यह है इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी का कंसेप्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के आधार पर हम लोग मेटल के जो प्रॉपर्टीज हैं उस प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन देंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ से कि यदि मेटल क्रिस्टल में सच में ऐसा होता है तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी मेटल एटम न्यूट्रल फॉर्म में तो नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, इस थ्योरी के अनुसार यदि हम लोग चले तो वह मेटल एटम न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि वह तो मेटल कोर या कर्नल में कन्वर्ट हुआ रहेगा पॉजिटिव आयन में, तो न्यूट्रल फॉर्म में जो है नहीं रहेगा। अब जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स के, उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाए। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इस कैटेगरी में है वह है उस मेटल का नेचर, उस मेटल का नेचर। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल्स आर सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड। सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में कौन आते हैं? अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। अब अल्कली मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह एक है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का दो है, तो क्या करेंगे, ये मोनोवैलेंट केटायन बनाएंगे, ये डाइवैलेंट केटायन बनाएंगे, ऐसा। तो चूंकि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे नहीं, केटायन पे मेटल एटम पे चार्ज भी कम होगा, तो जो कुलंबिक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उसका तो ऐसा होता है फार्मूला Q1 Q2 / R स्क्वायर, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चूंकि इन एटम्स पे जो चार्ज है वह स्मॉल मैग्नीट्यूड का है, इधर एक प्लस या दो प्लस ऐसे, तो स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इसलिए जो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑपरेट होगा इस मेटल एटम और इलेक्ट्रॉन सी का इलेक्ट्रॉन के बीच यह बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, और स्ट्रांग नहीं होगा इसलिए मेटल्स क्या होंगे, सॉफ्ट नेचर के होंगे। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन यही दिया जा सकता है कि उनका वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कम है तो जो केटायन बनाएंगे लो चार्ज का बनाएंगे, और लो चार्ज के केटायन बनाएंगे तो जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो डेवलप करेगा वह कम मैग्नीट्यूड का होगा, तो रिजल्टेंट वह मेटल सॉफ्ट नेचर का होगा। लेकिन वही यदि आप कोई ट्रांजिशन मेटल लो, इनर ट्रांजिशन मेटल लो, तो वे हार्ड होते हैं, जैसे आयरन है। तो आयरन का वैलेंस सेल में है तो दो ही, लेकिन हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट है तो या इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को भी पार्टिसिपेट करवाता है, तीन करवा सकता है, चार करवा सकता है, ऐसे करके। और जब इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो इस पर चार्ज भी तो ज़्यादा आ जाएगा, और ज़्यादा चार्ज आया मतलब कुलम्बिक फोर्स अब ज़्यादा लगने वाला है, और जब स्ट्रांग फोर्स ऑपरेट होगा तो ये मेटल हार्ड नेचर के होंगे। तो कुछ मेटल्स जो सॉफ्ट है तो सॉफ्ट मेटल में वही आते हैं जिन पर कम पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो मेटल्स हार्ड हैं तो हार्ड होने के पीछे है कि वे हाई पॉजिटिव चार्ज वाले केटायन बनाएंगे ताकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्क करे उसका मैग्नीट्यूड वहाँ क्या हो, अधिक हो, ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो। उसके बाद अगला जो इसमें है कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस साउंड ऑन हीटिंग, किसी भी चीज़ से हीट किया जाए, पीटा जाए तो साउंड डेवलप होता है। जैसे कोई बर्तन है एल्यूमिनियम का, और कोई बर्तन है गिर जाए तो अचानक से साउंड करता है, बड़ा छंद सा आवाज़ करता है, कैसे आवाज़ होता है। तो अभी जो हम लोग इस थ्योरी में पढ़े कि मेटल का क्रिस्टल है तो उसमें ऐसा मेटल कोर है और इसी में इलेक्ट्रॉन भी है, तो होता क्या है कि जब हीट किया जाता है उस मेटल को किसी से, चाहे अचानक से हाथ से छुटके गिर गया हो या किसी से मारे हो आप, तो हीट करने से एक मेटल कोर आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और टकराने से वहाँ साउंड डेवलप होता है। जब भी किसी चीज़ का कॉलिजन हो तो साउंड तो डेवलप होता ही है। तो मेटल्स जो सोनोरस के नेचर के हैं, साउंड जो डेवलप करते हैं, इसलिए क्योंकि बाहर से जब हीट करते हैं मेटल को, HIT हीट मतलब मारना किसी चीज़ से, तो ये मेटल कोर जो है कर्नल्स इनके बीच यहाँ टकराहट होता है, कॉलिजन होता है, और इस कॉलिजन के चलते क्या होता है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद मेटल्स आर लस्चरस का मतलब शाइनिंग होता है उनमें,
अच्छा, अब साइनिंग क्यों होता है उसको समझो। जैसे मान लो कि यह मेटल का क्रिस्टल है, तो इसमें पॉजिटिव मेटल कोर है ऐसे इस प्रकार से, और इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ऐसा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके अंदर ऐसे। अब क्या होगा कि जब इस मेटल पे लाइट पड़ेगा, सनलाइट, तो सनलाइट से मिलता है एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो जब एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा कि यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल रहा, अभी एक्साइटेशन हो रहा है इसका, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिला तब बाहर निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन जब एप्रिसिएबल अमाउंट में एनर्जी मिल रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वहीं नहीं रहता है, वह वापस आता है। और जब वापस आएगा तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि वापस आते वक्त एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करेगा वह भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया, वहाँ से जब वापस आया तब जो एनर्जी रिलीज किया वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। तो यह जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे जाना फिर वापस आना, तो यह एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन इतना रैपिडली होता है कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये पढ़ने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपस में यहाँ कोलाइड करते हैं, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने से इनका सरफेस जो है साइन करता है, ग्लो करता है, चमकता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग लस्टर बोलते हैं। तो मेटल लस्टरस है, रीजन इसका है कि उसके अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन बहुत तेज़ी से होता है, रैपिडली, इतना तेज़ी से कि ये दोनों रेडिएशन आपस में कोलाइड करते हैं तो लगता है जैसे कि लाइट वहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसी के चलते जो है सरफेस शाइन करता है, चमकता है। उसके बाद मेटल्स मैलिएबल नेचर के हैं और डक्टाइल भी हैं। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स मैलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। मैलिएबल मतलब कैन बी ड्रॉन इंटू थीन सीट, पतले सीट, चादर के रूप में बदलना, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग थीन वायर, लंबा पतला तार के रूप में खींचना डक्टाइल, और पतले पतले सीट में कन्वर्ट होना मैलिएबल कहलाता है, मैलिएबिलिटी। क्यों ऐसा होता है, वाई मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, तो इसको भी इस थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी में जो हमने पढ़ा कुछ ऐसा पढ़ा, ये पॉजिटिव मेटल कोर हुए कर्नल, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हुए, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हैं, उन इलेक्ट्रॉन का क्या है, तो इधर उधर घूमते ही रहेंगे। ऐसा ये मान लो मेटल का क्रिस्टल है इस प्रकार से। अब क्या होता है यहाँ से कि जब इस मेटल को बाहर से एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, तो बाहर से अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे क्या होता है कि यहाँ अनबैलेंस फोर्स कहने का मतलब जो बताया कि यह मेटल कोर और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप किया है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा बाहर से। तो जब उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा बाहर से तो क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप किया वह ब्रेक कर जाएगा, और जब यह फोर्स ब्रेक कर जाएगा तो यह जो आयन का लेयर है वह लेयर डिस्प्लेस कर जाएगा, खिसक जाएगा। तो इधर से फोर्स लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए तो सबसे पहले टूटेगा, टूटेगा तो लेयर खिसक जाएगा, और जब यह लेयर खिसक जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। यह लेयर तो वैसे ही है क्योंकि डायरेक्टली इस पर फोर्स तो नहीं लगाए हम लोग ऐसा, और अब ई वाला लेयर जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, प्लस 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 ऐसे करके हो जाएगा, इस प्रकार ऐसा हो जाएगा। तो देखो पहले इतना मोटा था अब पतला हो गया, ऐसा यही रीजन आप यहाँ भी दे सकते हो, ये जो पतला वायर के रूप में कन्वर्ट होता है। तो जब किसी मेटल क्रिस्टल पे
अनबैलेंस्ड फोर्स दिया जाता है तो डायरेक्ट नहीं, जैसे जनरली लोहा का चादर वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो लोहा का जो चादर वगैरह बनाते हैं वो कैसे बनता है, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है उसको, हीट इतना करना है आपको ताकि ये सारे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल हो जाएं। मोल्टेन फॉर्म में जब रहेगा पिघला हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कमज़ोर ना रहेगा, तो वे आयंस इधर उधर मूव करेंगे जो मेटल आयंस हैं उसमें। और अब जब उस पर बाहर से हथौड़ा से पीटा जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो आसानी से ये डिस्प्लेस कर जाते हैं ऐसे। और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा वह उतना पतला होते जाएगा, उतना थीन होते जाएगा। और यही आप ऐसे ही करके जो है लंबा तार के रूप में भी इसको खींचा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है, या मॉलिक्यूलर मतलब मेटेलिक बॉन्ड का जो एक या थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन पुल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, यह एक्सप्लेन कर पाता है कि मेटल्स क्यों मैलिएबल हैं या मेटल्स क्यों डक्टाइल हैं। तो यह इसके पीछे का रीजन था। उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? तो जैसे मान लो कि यह एक मेटल का क्रिस्टल है ऐसा, तो अभी जैसा कि पढ़े हम लोग कि यह पॉजिटिव मेटल कोर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं इस प्रकार से, और भी यहाँ दिखा सकते हो पॉजिटिव मेटल कोर। कोई ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव मेटल कोर और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर हो, अलग अलग भी हो सकता है ऐसे। अब क्या है कि मान लो इस मेटल क्रिस्टल को, या मान लो या मेटल का रॉड है, यदि इसको मेटल रॉड ही मान लो इसको, अब मान लो इसको आप इस किनारे में यहाँ हीट कर रहे हो, तो मेटल रॉड को जब एक किनारे में आप हीट करोगे तो क्या होगा कि उस किनारे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। हालांकि एनर्जी एब्जॉर्ब तो या ई भी करेगा, जो मेटल कोर है वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन चूंकि यह बहुत हेवी है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। या इलेक्ट्रॉन काफ़ी लाइट है, काफ़ी हल्का है, तो जब यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इस हीट से तो एनर्जी बढ़ेगा, तो यह दूसरे एंड की तरफ मूव करेगा, और जब दूसरे एंड की तरफ मूव करेगा तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उससे जाके टकराएगा, और जब कॉलिजन होगा तो क्या करेगा कि यह इलेक्ट्रॉन अपना हीट ट्रांसफ़र कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को, और अब जब इसका एनर्जी बढ़ गया तो फिर ये आगे मूव करेगा और फिर जा करके इससे टकराएगा, तो टकराने के बाद ये अपना एनर्जी दे देगा इसको, फिर वही बात होगा ये आगे जा करके इससे टकराएगा तो अपना एनर्जी देगा इसको। तो एनर्जी दे रहा है मतलब हीट दे रहा है, तो हीट हम लोग कर रहे थे केवल इस किनारे में, लेकिन वही हीट से एक इलेक्ट्रॉन मतलब इस एंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बढ़ा, एनर्जी बढ़ने से वे इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड की तरफ मूव करना शुरू किए, और जब दूसरे एंड की तरफ मूव किए तो उस मूवमेंट के दरमियान उस एंड के जो इलेक्ट्रॉन थे दूसरे एंड की तरफ उससे जाके टकराए, और टकराने से वहाँ एनर्जी एक्सचेंज हुआ, और एनर्जी एक्सचेंज होने से क्या हुआ कि ये जो बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स थे इनका एनर्जी अब बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा तो यथावत वहीं रह जाएगा, और जब इसका बढ़ जाएगा तो फिर ये आगे मूव करेगा, आगे वाला इलेक्ट्रॉन से टकराएगा अपना एनर्जी इसको दे देगा, और इस प्रकार से एनर्जी का एक्सचेंज होते होते इस एंड तक एनर्जी पहुंच जाता है, मतलब यह किनारा भी गर्म हो जाएगा। तो यह जो हीट कंडक्ट किया कोई मेटल, वो बोल सकते हैं इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के चलते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मूव करने लायक हों ऐसा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कि व्हेन वन एंड ऑफ ए मेटल रॉड इज हीटेड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एंड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड मूव टुवर्ड्स अदर एंड। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट दे कोलाइड विद द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफर दियर हीट एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूज एंड द एनर्जी दैट इज हीट एनर्जी
इज ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर टू द अनदर एंड द अनदर एंड ऑफ मेटल ऑल्सो गेट हॉट। तो जितना भी मेटल का बर्तन में जो हम लोग खाना बनाते हैं, सपोज तावा पे आप रोटी बना रहे हो, तो यहाँ स्टोव से आग निकल रहा है, बर्नर से, ये तावा है, यहाँ आप रोटी पका रहे हो, तो आग तो उस तावा का इस इंड में लगता है, लेकिन रोटी यहाँ पक जा रहा है, इसका मतलब इधर वाला इंड भी गर्म है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ से हीट किए तो यही वाला सारा काम हुआ कि इस इंड का जो इलेक्ट्रॉन था वो सीट से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते टकराते गया और एनर्जी एक्सचेंज होते होते इस तरफ आ गया ऐसा, और यहाँ जब एनर्जी आ गया तो फिर ये हीट भी गर्म हो गया तो यहाँ भी बनता है। तो यह जो एक्सप्लेनेशन हुआ हीट का, या किसके चलते हम लोग देखें, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते देखें, तो इस बात को भी जो है अच्छे से ध्यान में रखोगे आप लोग। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को और डिटेल में और डीपली जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यह मॉलिकुलर बैंड थ्योरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी था मेटेलिक बॉन्ड के लिए, और इसके आधार पे मेटल्स के कई प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्सप्लेन किया। एक दो प्रॉपर्टीज और बचे हैं, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट यह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कैसे कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि अभी तक हम लोग जान रहे हैं कि सारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। क्यों है, उनका कंडक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इन सारे फैक्ट्स को नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। धन्यवाद।